नमस्कार, आप देख रहे हैं नैनमल न्यूज़ खबर बिजनौर से। मोबाइल पर गेम खेल रहे दो युवकों में झगड़ा, एक की मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर के नेटवर थाना क्षेत्र के फुलचंदी गांव के रहने वाले अमित और उसका साथी मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। मोबाइल पर गेम खेलने के दौरान दोनों में कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद यह मामला दोनों के घर पर पहुंच गया, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में बुरी तरीके से अमित घायल हो गया। परिजनों द्वारा इलाज के लिए लाए जा रहे अमित ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दूसरे पक्ष के तीन सगे भाइयों सहित उसके पिता पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि मोबाइल में गेम खेलने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दो पक्षों में धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया। इस हमले में अमित नाम के युवक की मौत हो गई। मृतक परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा लेकर हत्यारोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। क्या नाम है आप? कहाँ से हो? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा तो उनका पुराना मोबाइल को लेकर था, तो कोई बात के बाद, लेकिन उन्होंने उसी दिन के खिलाफ लड़ा कर दिया, जैसे गाँव वालों ने बताया। लड़का गाँव में हरी बने में खाने का सामान, तो हूँ पहले से ये कर रहा था, तो इन्होंने सोचा कि तुम ना करे, लेकिन मेरा भतीजा हूँ मुकुल भी मौजूद था, हूँ आपस में जिनमें कोई तरह समझ जाते नहीं थी। ये हमारे वाले अपने घर आ गए, वे अपने घर, लेकिन वे अपने घर जाकर अपने घर से रॉड और सरिये लेकर आए और हमारे घर में घुस गए, और सामने और कोई था नहीं, अमित ही था। कितने लोग मारने वाले थे? चार लोग थे। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कार्रवाई हो, उनको जो उन्होंने करा उसका उन्हें सजा मिली। थाना नटौर के फुलसंदी गांव में दो युवक जो मोबाइल फोन में गेम खेल रहे थे, किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। यह विवाद घर तक पहुंचा, दोनों परिवार में विवाद हो गया, लाठी डंडे से मारपीट हो गई। उसमें एक युवक जो अमित नाम का था, 28 वर्ष का था, अस्पताल ले जाया गया, इलाज हुआ, पुनः उसकी मृत्यु हो गई। 302 RPC का अभियोग पंजीकृत है। तीन सगे भाई एवं पिता के खिलाफ चार लोगों को निलंबित किया गया है। दो टीमें गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है, अभियुक्तों की स्थिति गिरफ्तारी कर दी जाए।